बठिंडा च गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री च वड्डा हादसा, अग लगन नाल तीन कर्मचारियों की मौत, कड़ी मशक्कत तो बाद अग ते पाया काबू। जम्मू कश्मीर विधानसभा चोणां लई अज पहले गेट की वोटिंग, 7 जिलों दीआं 24 सीटां ते हो रही वोटिंग, महबूबा की धी समेत कई वड्डे चेहरियां की साखदा। हरियाणा लई कांग्रेस अज जारी करेगा मैनीफेस्टो, दिल्ली च खड़गे करनगे चुनावी वादियां दा ऐलान, हर वर्ग नूं लवाउण दी होवेगी कोशिश। राहुल खिलाफ बयानबाजी नूं लैके कांग्रेस ते बिट्टू विचाले सियासी घमसान जारी, कांग्रेस प्रधान ने मोदी नूं कीती बिट्टू दी शिकायत, तां बिट्टू दा खड़गे तो सवाल, राहुल दे बयान नाल जे हालात बिगड़े तां जिम्मेवार। एनएसए नूं लैके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट च अज होवेगी अहम सुनवाई, अमृतपाल सिंह अते दलजीत कलसी ने दित्ती है चुनौती, केंद्र ते पंजाब सरकार ने दाखल करना है अपना जवाब। लेबनन च नवे तरीके नाल सीरियल ब्लास्ट, हजारा पेजस च इको समय होया धमाका, 12 दी मौत, 3000 तों ज्यादा जख्मी। सत श्रीकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे, गल करांगे जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस दी। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चोणां दे लई पहले गेट दी वोटिंग हो रही है, पहले फेज 24 सीटा ते वोटा वोटर्स दे वल्लों पाईआं जा रहीआं ने, 7 जिलों दीआं 24 सीटा ते आ वोटिंग हो रही है। सवेरे 7 बजे तो वोटिंग प्रोसैस शुरू हो चुका है, शाम 6 बजे तक वोटा पैणगीआं। जम्मू दीआं 8 ते कश्मीर दीआं 16 सीटां ते वोटिंग लगातार जारी है। 219 कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम च अज बंद होएगी, ईवीएम च अज कैद होएगी, ते जम्मू कश्मीर दी जनता अपना पसंदीदा लीडर चुनेगी। सुरक्षा नूं लैके पुख्ता प्रबंध, पुख्ता इंतजाम कीते गए ने। साल 2019 च धारा 370 हटाउण तों बाद पहली अज चोण है करवाई जा रही है। जिक्रयोग है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा च 90 सीटां ने, जिथे 3 फेज च वोटिंग हो रही है, 25 सितंबर नूं दूजा गेट सैकेंड फेज है, तीजा गेड़ 1 अक्टूबर नूं होना है, उदो वोटिंग होएगी, ते नतीजिआं दा ऐलान 8 अक्टूबर नूं ही होएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चोणां दे लई जो वोटिंग है लगातार जारी है, अलग अलग थावां ते 35,000 तों ज़्यादा जो ने उह वोट पाए जाणगे, ते इस विचाले दस्सदे कि फर्स्ट फेज च 24 चों लैके 8 सीटां जम्मू डिवीजन दीआं ने, जबकि 16 सीटां कश्मीर घाटी दीआं ने, सब तों ज़्यादा 7 सीटां अनंतनाग, ते सब तों घट 2-2 सीटां शोपियां ते रामबन जिले दीआं ने। इलेक्शन कमीशन दे मुताबिक पहले फेज च 219 कैंडिडेट्स चोण मैदान च उतरे होए ने, जिन्हां चों 9 महिलावां ने, यानी कि 9 महिलावां कैंडिडेट्स ने, ते 92 जदों कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी चोण मैदान च उतरे ने। 110 कैंडिडेट्स की संपत्ति का जिक्र किया गया, जबकि 36 दे क्रिमिनल केस भी दर्ज ने, ते इस फेज च मुफ्ती परिवार का गढ़ रही बिज बेहरा सीट भी है, जिथे कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार चोन मैदान च उतरी है, पहली बार अपनी किस्मत जो है अजमाई जा रही है, ते महबूबा ते उन्होंने पिता मुफ्ती मुहम्मद सईद सीएम भी रह चुके ने। ते मेरे नाल मेरे सहयोगी सरोज लाइव मौजूद ने कश्मीर तो। सरोज, जानना चाहेंगे आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे पहले पहली बार जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही है, कौन सी कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, कितना जोश वोटर्स में देखा जा सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। देखिए, आज 10 साल बाद जो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसका हिस्सा जो है यहाँ के लोग बनने वाले हैं, और इस पॉलिटिकल प्रोसेस से यहाँ के लोगों को 10 साल के लिए वंचित रखा था। आपको याद है लास्ट असेंबली इलेक्शन यहाँ पे 2014 में हुए थे, उस टाइम पे बीजेपी और पीडीपी का गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, और 2.5 साल बाद ही फिर किन्हीं कारणों की वजह से वो अलायंस टूट गया था। अगर हम आज की बात कर ले, तस्वीर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे इस वक्त हम बिजबिहारा में, आपको बताएं यही वो पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे, जैसे अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि मुफ्तीज का बेस चल रहा है यहाँ पे, गढ़ रहा है यहाँ पे। पहले सईद मोहम्मद मुफ्ती जो है वो यहाँ से जीते थे, उसके बाद जो उनकी बेटी है महबूबा मुफ्ती वो जीती थी, और इस बार जो उनकी थर्ड जनरेशन है इल्तिजा मुफ्ती, वो यहाँ आज अपना वोट डालेंगे। सूत्रों के अनुसार सुनने में आया है कि 11 बजे तक यहाँ पे महबूबा इल्तिजा मुफ्ती पहुँचेगी, और उसके बगैर, जैसा
कह रहे थे कि करीबन कंपटीशन जो है वो 2219 कैंडिडेट्स के बीच में है, और कहीं ना कहीं आप देखें कि हर सीट पे इंटरेस्टिंगली कम से कम 12 से 13 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं सिर्फ इस पर्टिकुलर सीट को छोड़ के। यहाँ पे अगर हम बिजबिहारा की बात करते हैं तो 3 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। बशीर वीरी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो आज PDP की इल्तिजा मुफ्ती को चैलेंज करेंगे। वही BJP के सूफी यूसुफ जो है वो भी यहाँ से लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 3 कैंडिडेट्स हैं जो बिजबिहारा से लड़ रहे हैं, एक PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और एक BJP है। बाकी अगर हम बात कर लें, देखिए सुबह से ही यहाँ पे लोग जो हैं उनका आना शुरू हो गया था, और कई सारे लोगों से जब हम बात भी कर रहे थे सरब, तो उनका कहना था कि अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, लेकिन वो यहाँ पे अपना जो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है, उनका वोट है, वो डालने के लिए आए हैं। हालांकि अभी आप ज़्यादा भीड़ नहीं देख पाएंगे। और अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे करीबन 23,50,000 वोटर्स जो इस बार पहले फेज में वोट डालेंगे, उसमें से 11,91,000 जो हैं वो फीमेल वोटर्स हैं। तो हमने सुबह से ही देखा फीमेल वोटर्स जो है उनका ज़्यादा रश रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि जिस हिसाब से दिन चढ़ता जाएगा उस हिसाब से जो कतारें यहाँ पे वो और ज़्यादा बढ़ती हुई जाएंगी। जी सर जी सरोज, हमने हाल ही के दिनों में देखा है कि दहशतगर्दों की तरफ से कई जो है हमले किए गए हैं, कायराना हरकतों को अंजाम दिया गया है। सिक्योरिटी को लेके क्या कुछ पुख्ता प्रबंध प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स अपने घरों से बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अगर आप पिछले कुछ दिनों का ग्राफ देखेंगे, स्पेशली अगर हम चिनाब वैली की बात करते हैं जिसे हम जम्मू खत्ता भी कहते हैं, वहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से जो अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड अटैक्स थे, कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ का पीस जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद भी आपको याद दिलाऊं, जब यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए थे राजीव कुमार, उनकी जो डेलीगेशन आई थी, तब भी उन्होंने लोगों से असेंबली इलेक्शन की डेट अनाउंस करने से पहले जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स के टॉप हैंड्स हैं, भले वो जम्मू कश्मीर पुलिस है या आर्मी या IB या जितनी भी एजेंसीज हैं, इनके तमाम टॉप ऑफिशियल से मिले थे, उनसे एक जायज़ा लिया था पूरा, और देखा था कि माहौल इस वक्त जायज़ है, लायक है इलेक्शन की कि नहीं। और जब उन्हें गो अहेड मिला तब जाके उन्होंने यहाँ पे असेंबली इलेक्शन के डेट्स डिक्लेयर किए। बाकी जाहिर सी बात है आप देखेंगे उसके कारण भी जो यहाँ के वोटर है उनका इरादा जो है वो इस बार कम नहीं हुआ। आपने देखा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस महज 3 महीने पहले था और इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट रहा था। तो उम्मीद इस बार भी यही है कि इन 3 फेजेस में जो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, वोटर टर्नआउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहे, भले ही कितनी कोशिशें हों पड़ोस की तरफ से कि यहाँ पे पीस को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस बार का वोटर है वो अपना इरादा बना चुका है, वो वोट डालना चाहता है और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस हिस्सा बनना चाहता है। जी सर। सरोज, ये भी जानना चाहेंगे इस बार अलायंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी में, उसका कितना इफेक्ट जो है इस बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है? देखिए अगर हम बात कर ले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डर बेस रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है उनका कश्मीर में पहले से ही, और इस बार फिर कांग्रेस के साथ उनका अलायंस में आना, वो भी प्रीपोल अलायंस। हालांकि उस पर भी आपने देखा काफ़ी सारे स्पेकुलेशन थी, काफ़ी ज़्यादा बातें चली थी कि ये अलायंस प्रीपोल क्यों बना है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ सीट शेयरिंग को लेकर। NCO और कांग्रेस के बीच में आपस में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव रहा, लेकिन उसके बाद एक म्यूचुअल कंसेंसस पे पहुंच के दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये डिसाइड किया कि वो साथ में चुनाव लड़ेंगे। देखिए उन दोनों को छोड़ के, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को छोड़ के, बाकी तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो PDP है, BJP है, या सजाद लोन की जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अल्ता बुखारी की अपनी पार्टी है, या बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, उन्होंने तय किया है कि वो अकेले लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो एक साथ लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जब हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि आज साउथ कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है फेज वन में, तो यहाँ पर 2-3 बड़े नाम है जो कांग्रेस के हैं, जैसे जे मीर है वो डूरू से हैं, तो पिछले 2 बार उन्होंने वो सीट अपनी वहाँ से संभाल के रखी है, कोई उस सीट पे और आगे जीत नहीं पाया है। उसके बाद भी कुछ और लीडर्स हैं जैसे पीरजादा सईद है, उनका भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होल्ड रहा है यहाँ पे। हालांकि कुछ ऐसी सीट्स थी साउथ कश्मीर की जिसपे
जी, हालांकि कुछ सीट्स हैं ऐसी साउथ कश्मीर की जिसपे एनसी और कांग्रेस जो है इनका मतलब तालमेल बैठ नहीं रहा था, और कई सारी ऐसी सीट्स भी यहाँ पे जहाँ पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहा है, मतलब कुछ सीट्स ऐसी है जहाँ पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के बात करें तो माहौल जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है जिससे पिछले 10 साल से यहाँ के लोग वंचित थे, वो इस बार हिस्सा लेना चाहते हैं। और ये एक रीजन है कि आप देख रहे हैं कि जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे सुबह से ही कतारें लगी, और स्पेशली जो फीमेल वोटर्स हैं उनकी तो लंबी लंबी कतारें पोलिंग स्टेशन के बाहर देखी जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज हमें तमाम जानकारी देने। तो पहले फेज दी, पहले गेट दी, वोटिंग लगातार जारी है। तकरीबन 10 साल बाद जो है असेंबली इलेक्शंस हो रहे ने। 370 आर्टिकल हटने के बाद 2019 370 आर्टिकल अबॉलिश किया गया से, तो उसके बाद पहली बार असेंबली इलेक्शंस हो रही है। तो लंबिया कतारा वोटर्स दिया वेखिया जा सकते ने। शाम 6 बजे तक अब वोटिंग होगी, पहले गेट दिया तमाम वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। पहले गेट 24 सीटां ते वोटां पाई जा रही ने। 7 जिलों दी 24 सीटां ते आ वोटिंग लगातार हो रही है। अगे वधांगे गल करांगे लैबनन दी। लैबनन च पेजर दे नाल सीरियल ब्लास्ट किए गए ने। सीरियल ब्लास्ट 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3000 तो ज्यादा लोग गंभीर जख्मी दसे जा रहे हैं। जख्मियों में हिजबुल्ला के लड़ाके भी शामिल ने। एक दे बाद एक हजारा पेजर धमाके किए गए ने। ईरान के राजदूत मोजिबता अमानी भी जख्मी हुए ने इन्हों पेजर सीरियल ब्लास्ट। लैबनन सरकार ने लोगों को अपील की है कि पेजर का इस्तेमाल ना किया जाए। असीरियल ब्लास्ट दक्षिणी लैबनन के राजधानी बैरूत समेत कई थावां किए गए ने, जिथे हिजबुल्ला के इतिहास सब तो बड़ा खुफिया चूक के रूप से इसको वेख्या जा रहा है। इन्हों धमाकों के पिछे इजराइल को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। दरअसल इस वक्त इजराइल के लैबनन के टेंशन लगातार बरकरार है। शुरुआती जांच मुढ़ली जांच आ भी सामने आया है कि ब्लास्ट पेजर की बैटरी तो होया, तो लीथियम बैटरी तुहाड़े फोन ते लैपटॉप च इस्तेमाल की जाती है। तमाम तस्वीर सामने आई ने। मेरा मेरे जी नीरज फोन लाइन ते मौजूद ने। नीरज जानना चाहेंगे लेबनन में पेजर के साथ सीरियल ब्लास्ट क्या कुछ इसका इफेक्ट देखने को मिला है? देखिए, वहाँ जो लोग हिजबुल्ला के लोग और दूसरे लोग पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं उनके पेजर्स में धमाके हुए हैं। अब तक करीब 3000 के लोग घायल हैं, 9 लोगों की मौत हो गई। देखिए, पेजर्स का इस्तेमाल तो पहले से हिजबुल्ला के लोग करते रहे, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद उन्होंने पेजर्स के इस्तेमाल को इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्ला को ये ने चेतावनी दी थी, अपने लोगों को आगाह किया था क्योंकि सेलफोन को ट्रैक कर सकता है इजराइल, इसलिए लोग ज्यादा पेजर्स का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें नेटवर्क जो है थोड़ा सा कम, एक लिमिटेड नेटवर्क होता है पेजर्स में। लेकिन पेजर्स में भी ये माना जा रहा है कि हाल में जो कंसाइनमेंट आए थे पेजर्स के और जो हिजबुल्ला के लोगों को दिए थे, हर रैंक एंड फाइल के लोगों को दिया गया था, उसी में किसी तरह से सप्लाई चेन में घुस कर इजराइल ने इन धमाकों को अंजाम दिया। तो एक बहुत बड़ा झटका है हिजबुल्ला के लोगों, और न्यूज 18 पंजाब के दर्शकों को यह भी बता दे कि जो दक्षिणी लेबनान का इलाका है, यानी जो उत्तरी इजराइल से सटा हुआ इलाका है और लंबी बाउंड्री है वहां दोनों देशों के बीच में, जहां हिजबुल्ला के लोग सक्रिय हैं दक्षिणी लेबनान में, वहां जब हिजबुल्ला के लोग जाते थे तो ऐसे भी सेल फोन का इस्तेमाल कम करते थे क्योंकि हिजबुल्ला का मानना है कि सेलफोन के इस्तेमाल से लोकेट करना इजराइल के लिए आसान होता है, खासकर दक्षिणी लेबनान के इलाके में, इसलिए पेजर्स का इस्तेमाल बढ़ाया था उन्होंने। और ये आरोप मढ़ा है, इसको एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कहा जा सकता है। देखिए, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और इस तरह के हमले को इजराइल की एजेंसी मोसाद ही अंजाम दे सकती है, और ये माना जा रहा है कि मोसाद ने इसे अंजाम दिया होगा और हिजबुल्ला ने तो सीधे सीधे इजराइल पे ही आरोप लगाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमें तमाम जानकारी देने लेते। हम तुम दसांगे कि पेजर हुंदा की है। पेजर एक छोटे रेडियो रिसीवर वर्गा हुंदा है जिसनों तुसी नाल लेके भी चल सकते। हर खपतकार का एक निजी कोड होता है जिसनों लोग संदेश भेजने लिए दूजिया दे सकते हैं। हर संदेश पेजर की स्क्रीन ते एक पासे फ्लैश होता है, तो पेजर नू बीपर भी कहा जाता है। तो इस विचाले लेबनन च आ तमाम सीरियल ब्लास्ट होए ने पेजर के नाल। सीरियल ब्लास्ट 12 लोगों की मौत हो चुकी है, तो हूँ तक का सब तो वड्डा सिक्योरिटी लैप्स इसनों दसिया जा रहा है।
एक के बाद एक हजारा पेजर धमाके हुए ने, 3000 तो ज्यादा लोग जख्मी हुए ने, जो कि ना धमाकियां च 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के दो राजदूत ने, डिप्लोमैट ने मुझीता वो भी इस तमाम पेजर धमाके च जख्मी हुए ने। अगे वधंगे गल करांगे बठिंडा दी। बठिंडा दे पिंड गहरी बुटर च अग दा तांडव सानू वेखण नूं मिलिया, जिथे कि गद्दा बनाउण वाली फैक्ट्री च देर रात नूं अचानक भयानक अग लग गई। फैक्ट्री च काम कर रहे 3 लोग सड़ गए ने, जिन्हां नूं काफी मुशक्कत नाल फायर ब्रिगेड ने अग ते काबू पाया। फैक्ट्री अंदर खड़े कई ट्रक भी अग दी लपेट च आ गए। शॉर्ट सर्कट की वजह नाल अग लगी दसी जा रही। तमाम तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो, गद्दा फैक्ट्री है जिथे कि देर रात अचानक अग लगी। नाल अंदर फैक्ट्री जिन्ने भी ट्रक उत्थे मौके ते मौजूद सी ओह भी अग दी चपेट च आ गए। जदों फैक्ट्री दे अंदर आ भयानक अग लगी ते 3 वर्कर अंदर मौजूद सी, 3 मजदूर अंदर मौजूद सी ओह जिंदा ही जो अग च सड़ गए। 3 लोगों की जिंदा अग च सड़न दे नाल मौत हो गई। हालांकि कड़ी मशक्कत तो बाद इस अग ते काबू पाया गया। जिवें ही पता लगे तो फायर ब्रिगेड दी गड्डियां मौके ते पहुंचियां ते अग बुझाउण दा काम उन्होंने वालों किया गया। पर रात दी तस्वीरां भयानक तस्वीर, अग का भांबड़ वेखिया जा सकता है, उच्चिया उच्चिया अग दियां लपटां वेखियां जा सकदियां ने। नेड़े खलोते हुए जो ट्रक ने वह भी अग की चपेट च आए हुए ने। तस्वीर ने बठिंडा के पिंड गहरी बुटर दियां, जिथे कि अग का तांडव वेखते ही बनता है। उच्चिया उच्चिया अग दियां लपटां, धुएं का गुबार, कई जो ट्रक ने वह भी अग की चपेट च आए हुए ने। कई ट्रक भी अग की चपेट च आके सड़ गए। इनफैक्ट जो फैक्ट्री के अंदर 3 मजदूर मौके पर मौजूद से, जो फैक्ट्री के अंदर अग लगी है उदो वो तीनों जिंदा ही सड़ गए। तो वेखिया जा सकता है कि रात को किवें अफड़ा तफड़ी का माहौल उदो पैदा हो गया। फायर ब्रिगेड दियां गड्डियां मौके पर पहुंचियां ते उन्होंने वालों अग ते काबू पाने दियां तमाम जो कोशिशां कीतियां गईयां। हालांकि हुण मौजूदा अपडेट है कि अग ते काबू ते पा लिया गया है, पर जो नुकसान है वह काफ़ी वड्डा दस्सिया जा रहा है। गद्दा बनाउण वाली फैक्ट्री सी, फ्लेमेबल मटीरियल अंदर सी, शॉर्ट सर्कट अग लगन की जो वजह है वह दसी जा रही। फैक्ट्री च काम कर रहे 3 लोग जिंदा सड़ गए ने ते काफी मुशक्कत दे नाल फायर ब्रिगेड ने अग ते काबू पाया। अगे वधंगे गल करांगे महाराष्ट्र के पुणे की, जिथे कि फायरिंग का मामला सामने आया है। मॉल के बाहर कई राउंड गोलियां बदमाशों के वालों चलाई गई। पुणे के पिंपरी चिंदवाड़ के मॉल के बाहर आज फायरिंग की घटना वापरी है। सीसीटीवी पूरी तस्वीरें कैद हुई ने। हालांकि मुलजमान की अजे तक पछाण नहीं हो पाई कि कहे अणपछाते मुलजम से, जो कि मॉल के बाहर आए थे। ताबड़ तोड़ एक तो बाद एक फायरिंग उन्होंने वालों की गई। रंगदारी से गैंगवॉर के एंगल तो भी पुलिस के वालों तमाम घटना की जो जांच है वह की जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे दी तमाम तस्वीर मॉल के बाहर दी, जिथे कि कुछ अणपछाते बदमाश उत्थे आते हैं। एक बदमाश इनफैक्ट देखा जा सकता है, हाथ च पिस्टल फड़ी हुई है ते एक तो बाद एक कई राउंड फायर इस दे वालों कढ़े गए ते बाद च मौके तो भजदा होया भी तस्वीर च कैप्चर होया है। मुलजमान की अजे तक पछाण नहीं हो पाए कि केड़े आ मुलजम से, की कुछ इनका मोटिव से, की कुछ मंशा से, किस रंजिश के चलते इन्हों वो पूरी घटना को अंजाम दिता गया। हालांकि पुलिस के वालों वक्-वक् एंगल्स पर पूरे मामले की जो जांच है की जा रही है। रंगदारी ते गैंगवॉर के एंगल तो भी पुलिस तमाम मसले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है।